for that I need my module. So उसमें लेबल वन ही कर, मतलब शुरू का क्वेश्चन नंबर फिर से बोलो सर. क्वेश्चन नंबर वन और एक नाइन. साइन टू पाई प्लस एक्स कॉस इनवर्स टू पाई प्लस एक्स, यही ना? हाँ हाँ ये सर. तो इसमें तुम बोल रहे हो पाई बाई टू होना चाहिए. नहीं नहीं मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बस पूछा, मतलब ये वाला मेरा गलत हो गया थोड़ा. इसका थोड़ा ऐसा है कि इसमें फंक्शन को डिफाइन नहीं किया गया. तो ये जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन तो यही तक है, प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच. तो ये कहां से लेके आ गया? तो इसका तो कुछ ये एग्जिस्ट नहीं करता ना, और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता. तो फिर इसका सम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, none of these. हाँ x पॉजिटिव है. जबकि हमारा ये मानना है कि जैसे हमने, अब इसको डिटेल में क्या बताऊं मैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है और एक होता है f इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x. तो इसमें जो इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो जरूरी नहीं है कि माइनस पाई बाई टू से माइनस वन से वन से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. मेरा मानना है कि ये माइनस माइनस इधर आगे भी हो सकता है. मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी पाई का लेंथ लेके आप उसका इनवर्स को डिफाइन कर सकते हो. जैसे हमने साइन एक्स लिया यहाँ पे माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच, ये वाला पार्ट इसको हमने डिफाइन किया, तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं ये वाला पार्ट. तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू. तो उस केस में एक्स में लिमिटेशन नहीं रहेगा. फिर हम इसको भी साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. हमें सिर्फ ये देखना था कि वो वन वन और ऑन टू है कि नहीं. तो कोई भी सेक्शन वन वन ऑन टू है, कोई भी सेक्शन वन वन ऑन टू है, ये वाला पार्ट भी क्यों नहीं हो सकता इनवर्स फंक्शन? तो उस तरीके से तो टू पाई प्लस एक्स को तो वैलिड मानना चाहिए. ये पाई हुआ, ये टू पाई हुआ, टू पाई प्लस एक्स का मतलब इधर कुछ, जबकि एक्स पॉजिटिव है. तो हम यहां से लेके 2 पाई प्लस एक्स ऐसा कोई फंक्शन, तो यहां से लेके यहां तक का हम अगर डोमेन रखें यानी 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच, जैसे यहां पे ये हो जाए, उस केस में तो ये डिफाइंड है ना, उस केस में इस से पाई बाई टू होना चाहिए. बट वो यही मान के चल रहे हैं कि साइन एक्स का मतलब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच. फिर नन ऑफ दिस लिखिए. फिर नेक्स्ट क्या बताया आपने? नंबर नाइन. नाइन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई पाई. साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई पाई. तो सबसे पहले कॉस 33 पाई बाई पाई को उस वाले रेंज में ले आओ. 3 पाई बाई फाइव लाया जा सकता है. आप इसको लिखो कॉस 30 पाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो 30 पाई प्लस 3 पाई बाई फाइव. अब 30 पाई नहीं रहेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाई पाई फाइव. ये सही लग रहा है? ठीक है. तो अब ये बन जाएगा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई फाइव. कॉस 3 पाई बाई फाइव का क्या मतलब है? ये पाई बाई टू से छोटा है या बड़ा है? तो छोटा है. अगर यहाँ 6 होता तो पाई बाई टू होता, ये तो छोटा. हाँ फिर तो बड़ा है. नीचे आप संख्या बढ़ाओगे तो ओवरऑल, नीचे घटाओगे तो ओवरऑल बढ़ जाएगा. तो ये पाई बाई टू से बड़ा है. बड़ा है, चलिए पाई बाई टू से तो बड़ा है. तो अब क्या करें? यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन कॉस को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई फाइव. बोलो, लिख सकते हैं या हाँ. फिर ऐसा कर दो हाँ, या फिर आंसर देख लो. मतलब थ्री पाई बाई फाइव, सेवन पाई बाई फाइव, माइनस पाई बाई टेन, इस तरीके का कुछ है. थ्री पाई बाई फाइव का आंसर माइनस पाई बाई टेन दिया हुआ है. वही वही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर देखने के बाद, ऑप्शन देखने के बाद, ये हो गया टेन. फिर ये फाइव पाई माइनस सिक्स पाई, ये हो जाएगा
माइनस पाई, साइन माइनस पाई बाई टेन आ रहा है। हम यहाँ पे साइन लाना चाहते थे, आप समझ पा रहे हो, कॉस के बदले साइन लाना चाहते थे। फिर साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स ही होता है। हाँ, फिर अब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच लाई करता है, तो सीधा आंसर लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या था कि साइन इनवर्स को पहले से ही कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, पाई बाई टू से माइनस करके, ये कर ही सकते हैं ना हम, तो किसी भी साइन इनवर्स को ऐसे चेंज कर सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस थ्री पाई बाई फाइव। अब कॉस इनवर्स कॉस थ्री पाई बाई फाइव जीरो से पाई के बीच तो है ना, हाँ है कि नहीं, तो अब इसको कर सकते हैं ना पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई फाइव डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा सीधा माइनस पाई बाई टेन। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करो, दोनों तरीके से करो, प्रैक्टिस करो और इनवर्स का जो फीवर है उसको खत्म करो। कितने क्वेश्चन ट्राई किए लेवल वन में आपने? सर ऑलमोस्ट सर वो जो क्या कहते हैं 18 नंबर तक मैं पूरा खत्म कर सकता, जो हमने पढ़ा है वहां तक आपने पूरा कर लिया लगभग। okay. उसके आगे भी सर प्रॉपर्टी फाइव आगे भी कर लिया, समझ गया। ओके okay. आज भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे करते हैं और नई चीजें डिराइव भी करेंगे। गोइंग टू बी गुड सेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं, अगर हम माइनस लगाएं जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो कैसे वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये नहीं हुआ था शायद, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, उसको फटाफट करते हैं। यहाँ लिखा साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स है, कैसे होता है देखते हैं। मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लिख दिया, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं सर। माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, एक सेकंड होल्ड कर। अब हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा का नेगेटिव। अब यहाँ पे x अकेला है, अब यहाँ पे इनवर्स लगाते हैं दोनों तरफ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, ये कर दिया हमने। या फिर यहाँ पे x को माइनस साइन थीटा किया, अब इस माइनस साइन थीटा का क्या जुगाड़ हो सकता है, माइनस साइन थीटा से हम ऐसे लिखना चाहते हैं, रुको, साइन पाई माइनस थीटा करेंगे फिर तो ये माइनस नहीं हटेगा, समझ पा रहे हो, तो साइन पाई प्लस थीटा करेंगे, माइनस तो वो खा जाएगा, अभी इनवर्स नहीं लगाया, बोलिए यहां तक ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा कर दिया। अब इसके बाद साइन इनवर्स, अच्छा अच्छा ये एक सेकेंड, सर साइन पाई प्लस थीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, ये बताओ यहां तक ठीक है, माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन माइनस थीटा, अब लिखेंगे दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा देंगे, ये सबसे पहले ये बताइए कि जब हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना था तो किसी भी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जो एक्स है वो कहां से बिलोंग करेगा, माइनस वन से वन, तो यहां पे थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है, तो माइनस थीटा कहां से बिलोंग करेगा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा भी तो वैसे ही बिलोंग करेगा ना पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक, माइनस थीटा का भी तो वही होगा, अरे थीटा अगर दो से, थीटा जहां बिलोंग करेगा वहां भी तो यही, क्यों, क्योंकि सिमेट्री है, आप नहीं समझ रहे, अगर थीटा पाई बाई फोर हुआ तो ये माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू तो ये प्लस पाई बाई टू,
इफ थीटा बिलोंग टू दिस, दिस इंप्लाय माइनस थीटा बिलोंग टू द सेम. तो यहाँ पे साइन इनवर्स, बोलो, डाउट? नहीं सर, मतलब ये हो गया साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा कब लिख पाते हैं, जब थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में हो. याद करो साइन इनवर्स साइन थीटा का ये ग्राफ होता है, और ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू एक्स होता है, और ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है. तो अगर पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में हो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो हम क्या लिख देते हैं, सीधा थीटा लिख देते हैं. याद आ रहा है कुछ या नहीं? तो यहाँ माइनस थीटा है तो सीधा माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल था, थीटा था साइन इनवर्स माइनस एक्स के. इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. नहीं आया समझ? ये वाला स्टेप समझना है कि हम इसको माइनस थीटा क्यों लिख दिया हमने, हम इसको पाई माइनस थीटा क्यों नहीं लिख पाए. अगर ये जो थीटा है, ये वाला थीटा या माइनस थीटा जो साइन में लगा हुआ है, ये इसके बियॉन्ड होता या इसके अलग होता, तो हम डायरेक्ट माइनस थीटा नहीं लिख पाते, फिर हमको पाई माइनस थीटा लिखना होता, पाई प्लस थीटा कुछ लिखना, अलग लिखना होता. जो हमने स्टडी किया था इसके ग्राफ से, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ पलट लो अभी अगर याद नहीं आ रहा है तो, बहुत सामने रखो अभी क्योंकि मुश्किल है याद आना जल्दी से. तो जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही आप कोसेक इनवर्स एक्स को भी घर में प्रैक्टिस करना, और माइनस एक्स ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ये अपने आप माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. उसी तरीके से टैन को भी सॉल्व करोगे तो आपका टैन भी यही रिजल्ट देगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सेम ही रिजल्ट देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो ना, सिर्फ साइन कोसेक और टैन आपको ऐसा रिजल्ट देगा, यानी कि कैसा रिजल्ट, माइनस साइन बाहर निकालने वाला रिजल्ट, इसमें इन तीनों में ही माइनस साइन बाहर निकलेगा. अब बात करते हैं कॉस वाला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या देगा. उसके पहले इसको साफ करना पड़ेगा. इसका नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पता है क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब इसकी सिर्फ यही याद नहीं रहता और हम लोग गलत करते, तो उसको करेंगे अभी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुछ भी है उसको हमने वाई मान लिया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स या थीटा मान लिया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स. आप सबको पता है कि यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो टू पाई. अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस एक्स से इक्वल है, यानी कि या फिर ऐसे लिखो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब यहाँ पे बस माइनस को कंज्यूम करवाना है, तो क्या लिखूं मैं, कॉस पाई माइनस थीटा चलेगा, माइनस अंदर घुस गया, बोलो ठीक है कि नहीं. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही तो होता है, तो ठीक तो है, नहीं ठीक है यार, इतनी छोटी सी बात में क्यों प्रॉब्लम है. ठीक है सर, हाँ, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस टू पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है. अब बोले सर पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते, कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा करके भी आगे बढ़ो, देखो कहाँ प्रॉब्लम आती है. क्यों मान लेंगे कि पाई माइनस थीटा ही क्यों करे, पाई प्लस थीटा क्यों नहीं करे, करके देखो, बिल्कुल करो. अब यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, कॉस इनवर्स एक्स, दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे. अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, पाई माइनस थीटा का रेंज बताओ, थीटा का रेंज अगर जीरो टू पाई है तो पाई माइनस थीटा का रेंज क्या होगा सर, थीटा टू पाई माइनस थीटा. अजीब इंसान हो, थीटा जीरो से पाई है तो पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई में से जीरो माइनस करोगे पाई आ जाएगा, पाई में से पाई माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, पाई टू जीरो, पाई टू जीरो या जीरो टू पाई. तो
यहाँ पे जो पाई माइनस थीटा आपको दिख रहा है वो कैसे बिलोंग करता है, किसके किसके बीच, जीरो टू पाई। कॉस का ग्राफ याद करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस इनवर्स कॉस एनीथिंग, दिस इज इक्वल टू एक्स। और वेन वेन कब होता है एक्स के बराबर होता हूं, वेन एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई। ग्राफ भी याद कर लो, ऐसा होता है पाई तक ये वाई इज इक्वल टू एक्स देता है। ग्राफ पलट के देखो, तो जब कॉस के अंदर वो चीज है जिसका जीरो से पाई के बीच है वो ये चीज, तो ये फाइनल आंसर क्या दे देगा, सीधा पाई माइनस थीटा। नहीं आ रहा समझ? सो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, समझ में आ गया, पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप, पाई माइनस थीटा कितना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यही रिजल्ट लाना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और एक्स को तो पता ही है माइनस वन से वन के बीच होगा, तो यही चीज sec इनवर्स में भी होता है, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और cot में भी यही होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। यानी कि माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि साइन माइनस थीटा बड़ी आसानी से माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कभी गलती से ऐसा मत करना, साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स गलत करने, बोलना कि वो साइन ऑड है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स भी ऑड होगा, तो ये नहीं करना है। अच्छा यही तो करना है। हाँ सर, वो कॉस के लिए सर वो नहीं करना है। हाँ तो कॉस के लिए वो नहीं करना है, कॉस के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो साइन में जैसे बाहर आता है वैसे ही इसमें भी बाहर आ जाता है, और कॉस में ये नहीं आता, कॉस में कॉट में और सेक में नहीं आता, उसमें पाई के साथ आता है। तो ये ध्यान रखना, माइनस का ये इतना ही था, सबको अब एक साथ नोट कर लो ये तीनों, और इसके पहले जो यहीं पे तीन लिखा हुआ था वो, तो ये माइनस वाला पार्ट क्लियर हुआ। जब भी माइनस आएगा आपके पास तो आप उसको बड़े आराम से प्यार से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कॉस इनवर्स माइनस हाफ आएगा तो क्या करेंगे आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो ऐसे दोनों सेम आएगा। कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना होता है बताओ, किसकी किस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो हम बोलेंगे सर पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ भी तो वही आ रहा है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितना है, पाई बाई थ्री तो होता है, तो यहाँ भी टू पाई बाई थ्री आ रहा है, तो सब गंगा सी। चलिए ग्राफ एक बार पलट लीजिए, किस चीज का, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स टैन इनवर्स टैन एक्स, ये सब हो चुका है ना ग्राफ। हाँ सर, सेंड किया था ना सर होमवर्क में। हाँ हाँ, वैसे मैंने क्लास में कितना कराया था, सारा नहीं कराया था क्या? नहीं सर, आप बस कॉस और कॉस और टैन पे करवाए थे और बाकी सब होमवर्क में दे दिए थे। ओ मेथड बता दिए तो उससे कर लिया। ओके, तो मैंने सिर्फ कॉस और टैन का कराया था। अच्छा ओके ठीक है, ये थ्योरी हो गई, आप एक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या कराना है। इनवर्स पे कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये इन इक्वेशंस है कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के, कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्स।
सर एक्स लेस देन वन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉस कैसा फंक्शन, कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन। कॉस इनवर्स का ग्राफ याद कर लो, यही है। हम यहाँ एक्स को बढ़ा रहे हैं तो ये वाई कम होता जा रहा है। पहले ये ज्यादा वाई था, अब कम होता गया, यानी कि कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे ही एक्स बड़ा होगा, यानी कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एक्स लेजर विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस इनवर्स जो छोटा होगा उसका जो एक्स है वो बड़ा होगा। यानी कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो एफ एक्स वन अगर एफ एक्स टू से बड़ा हो तो एक्स वन एक्स टू से छोटा हो जाता है। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ एफ एक्स वन ये है, एफ एक्स टू ये है, तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू से बड़ा है लेकिन एक्स वन एक्स टू से छोटा है। नहीं समझे? डिक्रीजिंग फंक्शन का ये रूल होता है। रूल क्या होता है? सिंपल है, ऑब्वियस है, बहुत आसान है। जैसे ही एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स फॉर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू एफ एक्स वन क्या हो जाएगा? लेस देन एफ एक्स टू के। यानी कि अगर ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं और ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू लिखा हुआ है सपोज, तो फिर इसका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो एक्स एक्स माइनस वन। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज पॉजिटिव। तो यहां से आप नंबर लाइन स्कीम बनाओगे और यहाँ पे आप क्या क्या पुट कर दोगे? एक जीरो और एक वन। तो वन के बाहर ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस जीरो टू वन। बोलो ठीक है, बट आप बोलोगे सर यहाँ तो x की वैल्यू माइनस वन से बाहर हो ही नहीं सकता, तो फिर ये क्या चक्कर है? समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको x इसके अकॉर्डिंग तो डिफाइन कर दिया, बट x कैन नॉट बी x बिलोंग टू व्हाट? माइनस वन टू वन ओनली। इसके बाहर तो आपको लिखना ही नहीं है। तो ये माइनस वन यहाँ पे रहा, वो कह रहा है माइनस वन से वन होना चाहिए, और एक ये कह रहा है जीरो से इस तरफ और वन से इस तरफ। तो आंसर क्या हो गया? माइनस वन टू जीरो। तो आंसर क्या हो गया एक्चुअली में? फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो। जीरो पे ओपन ब्रैकेट, इक्वालिटी कहीं नहीं है, और माइनस वन पे भी ओपन ब्रैकेट। माइनस वन में ओपन ब्रैकेट, माइनस वन में ओपन ब्रैकेट क्यों होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, माइनस वन पे दोनों की वैल्यू नहीं, अलग अलग होगी। ठीक है, देख लो जी आंसर वही है माइनस वन टू जीरो। अच्छा क्वेश्चन है। और करें ऐसा क्वेश्चन, देखिए साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। फाइंड एक्स, ये सिर्फ जीरो टू पाई बाई टू है क्या? पाई बाई टू कहाँ से आ गया?
सर वन मतलब माइनस वन का आंसर आना चाहिए। अच्छा वैसे अगर एक फंक्शन हो या तो साइन या तो कॉस तो करने में आसानी होती है, तो हाँ सर कैन बी राइट कॉस माइनस वन इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स मोर देन पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स मोर देन पाई बाई फोर। अब इसके बाद आप डायरेक्ट ये मत करो साइन इनवर्स एक्स इज मोर देन पाई बाई फोर तो एक्स इज मोर देन साइन पाई बाई फोर, ऐसे करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ग्राफ देख लो और इस तरीके से आप करने की आदत डालो। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये पाई बाई फोर से ज्यादा है, तो एक्स बताना है आपको, ये रहा पाई बाई फोर, यहाँ पे प्लस वन होता है, यहाँ माइनस वन होता है, यहाँ पे पाई बाई टू होता है, तो ये पाई बाई फोर से ज्यादा है, मतलब कौन सा ग्राफ है, ये वाला पार्ट है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, यानी पाई अच्छा बाई फोर पे क्या था ये वन बाई रूट टू, तो एक्स बिलोंग टू व्हाट वन बाई रूट टू से लेके वन तक, ठीक है देख लीजिए, कहीं कोई तकलीफ है तो बताइए। सिंपल बट ट्रिकी, ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स वन बाई वन माइनस एक्स, फाइंड एक्स। सर हाफ टू वन चलिए फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले साइन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये बताओ, सर यही तो इंक्रीजिंग है साइन इनवर्स एक्स, और ये इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है ना इधर, और इधर वाई भी बढ़ रहा है, जो हम इधर इंक्रीज जा रहे हैं तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग है, यानी इक्वालिटी मेंटेन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वालिटी मेंटेन रहती है। सो टू एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज मोर देन हाफ, तो यही आंसर छोड़ना नहीं है, यही पे गलती करते हैं बच्चे, एक्स बिलोंग टू व्हाट हाफ टू वन, क्योंकि एक्स तो वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना किसी भी हालत में, एक्स बिलोंग टू हाफ टू वन, एक्स इज मोर देन टू लिखने का मतलब, मोर देन हाफ लिखने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू फाइव भी ले सकते हैं, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वैल्यू जो आप पढ़ चुके हो उसके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आई होप आपको कर लेना चाहिए, ऑप्शन भी दे देंगे। चलिए लिखिए साइन इनवर्स साइन 15, अच्छा आपने ये पढ़ लिया है क्या सारा, साइन पढ़ लिया, कॉस इनवर्स तो आपने पढ़ा ही नहीं, साइन तो खुद ही नहीं पढ़ा यार, साइन भी नहीं पढ़ा अभी तक,
लास्ट क्लास का क्या क्या था मैं क्या? अब याद आया, चलो फिर वही काम करते हैं। cot inverse cot x, इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा cot y is equal to cot x, तो y क्या हो जाएगा n pi plus x या x plus n pi, कुछ भी लिख लो। तो हमारे पास y की वैल्यू है, ये y हमारे पास है, ये एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो y क्या क्या होगा अलग अलग टाइम पे, y होगा ये अलग अलग टाइम पे, y होगा ये अलग अलग टाइम पे, y होगा ये, यानी x में या तो पाई जुड़ेगा या तो पाई घटेगा, या तो टू पाई जुड़ेगा या तो टू पाई घटेगा। ये बात आप सबको क्लियर है, एकदम इमीडिएटली आपके सामने है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि y is equal to n pi plus x, यानी कि सारे के सारे जो ग्राफ होंगे वो y is equal to x के पैरेलल होंगे, लेकिन कभी वो पाई प्लस एक्स होगा, कभी टू पाई प्लस एक्स होगा, सब के सब y is equal to x के पैरेलल होगा। ये x कब होता है वो देखना है आपको। सबसे पहले इतना करने के पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन वही होगा जो कॉर्टेक्स का डोमेन होता है, और कॉर्टेक्स का डोमेन क्या होता है, इंटायर रियल नंबर लीविंग मल्टीपल ऑफ पाई। कॉर्टेक्स का ग्राफ देखो, ग्राफ याद रखा करो, ये है कॉर्टेक्स का ग्राफ, फिर ये है कॉर्टेक्स का ग्राफ, ये रहा जीरो, ये रहा पाई, ये रहा टू पाई, यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल पे वो डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा डोमेन में, रियल नंबर माइनस एन पाई, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, बस हो गया डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम यहाँ कुछ भी रखेंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपकी वैल्यू क्या क्या दे सकता है, कॉर्टेक्स कैन बी एनीथिंग, कॉर्टेक्स लिखने का मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा। चलिए, यानी कॉट इनवर्स में क्या क्या आएगा आपके सामने, कोई भी रियल नंबर आएगा। अब कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कोई भी रियल नंबर मतलब ये आएगा। अब कोई भी रियल नंबर आएगा तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये जीरो है और ये पाई है, जीरो से पाई के बीच ही तो है ये कॉट इनवर्स, यानी रेंज क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वाई बिलोंग टू जीरो टू पाई, जीरो से पाई ही होगा, क्लियर है, ओके। और कॉट एक्स में एक्स क्या होगा, कुछ भी होगा, एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वाई को हमें जीरो से पाई तक रखना है। तो पहला ग्राफ क्या है यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू एक्स, पहला ग्राफ यहाँ पे है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये कहां तक, हमेशा के लिए नहीं जाएगा, ये पाई से ऊपर जा ही नहीं सकता, ये सिर्फ पाई पे एक बार ब्रेक होगा, पाई पे फिर ब्रेक होगा, क्योंकि पाई पे ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। तो पाई के बाद फिर से ग्राफ आपको ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि जितने भी ग्राफ होंगे सब y इज इक्वल टू x के पैरेलल होंगे, और आपको हमेशा रेंज जीरो से पाई ही रखना है, इस y की वैल्यू कभी भी जीरो से पाई के बाहर जा ही नहीं सकती। सोचो कौन सा ग्राफ है यहाँ पे, पाई प्लस x है या माइनस पाई प्लस x है, सोचो, ये तो है y इज इक्वल टू x, x माइनस पाई है, x माइनस पाई है, हाँ सर, हाँ ये लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस x, तभी तो पाई पे ये वैल्यू जीरो दे देगा, फिर हाँ यहाँ पे हाँ ये टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टू पाई प्लस एक्स, माइनस टू पाई प्लस एक्स, और ऐसे ही ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो हमें कॉट का ग्राफ भी काफी सिंपल लग रहा है, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, ये है आपके सामने बड़ा सिंपल सा प्यारा सा ग्राफ। इसको दोबारा बनाओ सर, मैं मतलब पहले भी ऐसा ही बनाया था जो आपको सेंड किया था, दोबारा बनाओ यार, अब तुम्हें दोबारा क्या 5 बार बनाना पड़ेगा, अभी तो तुमने पहले पहली बार ये सब से मिल रहे हो, तो इन सब में कंजूसी थोड़ी करनी चाहिए, सर एक बार कर लिया नहीं करना है, रिवीजन करना पड़ता है, वो आपके दिमाग का हिस्सा होना चाहिए,
तो बिल्कुल बनाओ दोबारा। इसका रेंज आपको दिख रहा है, इसका डोमेन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब यहां से आपसे कोई पूछेगा बताइए cot इनवर्स cot 10 क्या होगा, तो क्या बताओगे आपको? इसका वैल्यू जीरो से पाई के बीच रखना है बस। और हाँ, जीरो पाई पे ये मैंने क्लोज ब्रैकेट दे दिया है, उसको आप ठीक कर लीजिए। ये ओपन ब्रैकेट होगा, जीरो और पाई पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो cot इनवर्स cot 10, यहाँ पे 10 में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे या तो हम 10 में कुछ घटा सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी कि 10 में मेरे को कुछ घटाना पड़ेगा। तो 3 पाई घटाने के बाद ये वैल्यू कुछ नेगेटिव ही आता है, ध्यान दीजिए, ये फिर भी नेगेटिव है, हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 4 पाई करना पड़ेगा, 10 माइनस 4 पाई करना पड़ेगा, तभी तो 10 माइनस सर फिर तो सर वो पाई नहीं आया, मतलब 10 माइनस नेगेटिव आ रहा है ना। अच्छा, हाँ क्या, नहीं सर आप गलत किए सर, नीचे में 10 माइनस 12.56 तो माइनस 2.56 आएगा, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। हाँ, तो 10 माइनस 3 पाई तो होगा, 3 इंटू 3.14 तो मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो वही तो 10 माइनस 3 पाई तो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे हम नेगेटिव क्यों देख लिया, 10 माइनस 3 पाई ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, मुझे नेगेटिव पता नहीं माइंड में कहाँ से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कोई वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, जैसे हमने टेन में किया था वैसे ही कॉट में करना है, कि हमें या तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई जो भी घटाना है, जिससे कि उसका वैल्यू जीरो से पाई के बीच आ जाए। और कॉट टेन में क्या होता था, 2 पाई 3 पाई 1 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस करना है, जिससे कि उसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाए। टेन और कॉट में सिर्फ यही डिफरेंस है, सिर्फ इसका। यहीं पे अगर आपको मैं दे दूं कॉट इनवर्स कॉट 12, क्या लिखेंगे बोलिए? माइनस 4 पाई, माइनस 4 पाई नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाए। हाँ सर 3 पाई, 12 माइनस 4 नहीं कर सकते, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे tan इनवर्स tan 12 हो तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो माइनस में भी वैल्यू है, लेकिन ये जीरो से पाई के बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 पाई अगर करें तो क्या होता है उससे, तो फिर जीरो से पाई के बीच ही तो है ये, 3 पाई करने पे तो जीरो से पाई के बीच ही है सर, तो इसमें क्यों नहीं किया? अरे इसमें पाई बाई 2 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, पाई बाई 2 का मतलब 1.57, 2 ऑलरेडी ज्यादा है, और इसमें पॉइंट कुछ आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। और 2 पॉइंट समथिंग हम नहीं रख सकते 10 के लिए, 10 के लिए 1.57 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये चीज आप समझिए, सब में tan हो या cot हो, cot इनवर्स cot थीटा, tan इनवर्स tan x, सब में एक ही काम करना है, n पाई सबट्रैक्ट करना है या ऐड करना है सर। बस इसमें याद मतलब बस यही रखना है, उसका जो इक्वेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का उसका रेंज जो है वो। एग्जैक्टली, सिर्फ ये याद रखो और तुम्हारा काम हो जाएगा, और आपको सब कुछ मिला जुला के फाइनली आपको इसके बीच लेके आ जाना है बस, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। आपके सामने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ रखा हुआ है, आप एक बार कॉस है क्या, टेन का किया था और आपने किसका किया था, कॉस का किया था, आप टेन और कॉस का कराए थे और बाकी सब मैं कर लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे sec इनवर्स sec x का ग्राफ पूछता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का जो डोमेन है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, मैं पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगा, अपने ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर लेना। इसमें डोमेन जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन sec x में ऐसा नहीं होता, जब cos x होता है तो डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन sec x में ग्राफ कैसा होता है याद करो, ऐसा ग्राफ होता है, फिर ऐसा ग्राफ होता है, x की वैल्यू ये नहीं होती, x की वैल्यू पाई नहीं होती, तुम ही सोचो ना, cos x जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जीरो होता है, यानी कि sec x हम नहीं ले सकते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, क्योंकि ये तो 1 cos x होता है, तो जहां पे cos x जीरो होगा वहां पे sec x डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि वहां पे
सेकेक्स में वो नहीं लिया जा सकता, डोमेन से बाहर करना पड़ेगा। तो रियल नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है डोमेन इसका। सर सर ग्राफ सर वो साइन एक्स का बना दिए कि पाई बाई टू पे तो वो कट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। क्या ये कॉस एक्स का ग्राफ है ना यार, देखो अब यहाँ पे तुम पाई बाई टू लिख लो ना, उसमें क्या परेशान हो रहे हो, ये बीचों बीच तो कॉस का ही होता है। हाँ ये सर अभी सर ठीक है सर, सिर्फ ये चेंज करना था। ठीक है, तो सेकंड वर्स में आपको क्या करना है, डोमेन में थोड़ा चेंज करना है। तो आपके सामने बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि सबका सॉल्यूशन सेम होता है, सेकंड वर्स सेक एक्स का सॉल्यूशन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का सॉल्यूशन सेम होता है। फिर भी आपको आप नहीं करने में दिक्कत हो, वर्किंग करने में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तो सेकंड वर्स सेक एक्स का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ऐसा बन रहा था ग्राफ। ये कॉस इनवर्स, इसको करने के लिए सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उसका भी रेंज जीरो से पाई होता है, उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हमें पता है कि ये जीरो टू व्हाट है, पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, ये फोर पाई है, यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ माइनस टू पाई। और अब जो यहाँ पे पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है उस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप इसमें गैप दे दो, फिर यहाँ पे ऑड मल्टीपल आएगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे भी गैप दे दो ऐसे, मतलब वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। फाइव पाई बाई टू, फिर जो भी पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बना दो, वहां पे नीचे लिख दो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा बना दो इस वाले पे माइनस टू पाई, सही लिखा है माइनस थ्री पाई बाई टू, ये होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, नहीं एक सेकेंड, माइनस टू पाई यार, ये है माइनस पाई, ये है माइनस टू पाई, ये है माइनस थ्री पाई, और ये है माइनस फोर पाई, और यहाँ पे हर जगह ऐसे क्या था, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे आप चीजों को हटा दीजिए, बाकी एकदम कॉपी कर दीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब हमारे पास सिर्फ बचा है साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो उसका कॉपी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग जल्दी से एनालाइज करेंगे और ये ग्राफ मन में रखेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, जितना भी ग्राफ है सबको। एक तो आपने बोला है कि सर सिर्फ रेंज याद रखना है, डोमेन याद रखना है, बहुत अच्छी बात है, साथ में हमें ग्राफ को इमेजिन करके जरूर याद रखना है कि ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ऐसा ग्राफ है, टैन इनवर्स एक्स का ऐसा ग्राफ है, ये इमेजिन जरूर करना है, तभी तो मतलब ये भी याद रखो कि ये माइनस पाई टू से पाई टू के बीच रहेगा और ग्राफ ऐसा रहता है, ये याद रखना पड़ेगा। ग्राफ का इक्वेशन भी काम में आता है कभी कभी, क्वेश्चन मतलब ग्राफ से ही पूछ लिया था, मतलब ग्राफ आपके ऊपर है, बहुत सारे लोग सीधा ऐसे अलजेब्रिकली करते हैं, ग्राफिकली ही स्टार्ट करो कामों को करना तो आपके लिए आसान रहेगा। ये है sec inverse sec x का ग्राफ और यही है cos inverse cos x का ग्राफ, ठीक है, यही है cos inverse cos x का ग्राफ, बट ये वाला जो मैंने किया है वो सीधा रहने देना, आपको ये माइंड में रखना है, ये ट्राइंगल आपको ध्यान में रखना है, और ये पूरा का पूरा अबव द एक्स एक्सिस है और जीरो से टू पाई के बीच एक ट्राइंगल बना, फिर ऐसे टू पाई का पीरियड लेते हुए ये ग्राफ बन रहा है, ये पाई का पीरियड लेते हुए ग्राफ बन रहा है, ये टैन इनवर्स टैन एक्स में क्या होता है वो याद रखना है। अब बचा हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स, उसके ग्राफ को भी आपको मन में रखना है, तो बहुत जल्दी इसको डील करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले ये इसका सॉल्यूशन, फिर इसका डोमेन, फिर इसका रेंज, बताओ डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि साइन एक्स के लिए एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, डोमेन तो इस फंक्शन का डोमेन वही होगा जो साइन एक्स का डोमेन होगा, और साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। अरे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा कहीं रुका है थोड़ी ना, ये तो चल ही रहा है हमेशा, वन तक में ही मतलब कंस्ट्रेंट कर देगा ना, लेकिन साइन एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच रहेगा। साइन एक्स आप कुछ भी रखोगे, 5000 रख दोगे, फिर भी वो उसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच ही होगा, यानी साइन इनवर्स के अंदर यही चीज आएगी माइनस वन टू वन, और जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस वन टू वन आएगी तो साइन इनवर्स एक्स का फाइनल आंसर क्या होगा,
पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच, यानी कि इसका जो रेंज है रेंज वो वही रहेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। जिसको रेंज समझने में दिक्कत है या डोमेन समझने में जरूर बताइए। तो डोमेन रेंज हमने क्लियर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये लिखा साइन वाई और ये हो गया साइन एक्स, तो वाई क्या हो गया एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू दी एन एक्स, ये हो गया हमारा वाई का वैल्यू। अब वाई का क्या क्या वैल्यू हो सकता है आप ही सोचो, जब हम एन जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, एन वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, एन टू रखने पे क्या होगा टू पाई प्लस एक्स, एन थ्री रखने पे क्या होगा थ्री पाई माइनस एक्स, यानी इसका कोई ठीक नहीं, कहीं प्लस एक्स कहीं माइनस एक्स, हर तरीके का ग्राफ यहाँ पे आएगा। और एन नेगेटिव ही तो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, रख लो माइनस वन रख लो तो क्या हो जाएगा माइनस पाई फिर माइनस एक्स, ऐसा भी ग्राफ मिलेगा आपको, माइनस टू पाई प्लस एक्स ये भी मिलेगा, ठीक है। तो इन सब को मिला के एक ग्राफ बनेगा, जैसे ये वाला कितना ग्राफ मिला हुआ इसमें वन टू थ्री फोर, ये एक अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, इनका कॉम्बिनेशन एक ग्राफ होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स, उसी तरीके से इनका कॉम्बो एक बनेगा साइन इनवर्स साइन एक्स साइन एक्स, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। सबसे पहले y इज इक्वल टू x है, डोमेन रेंज हमें पता है, तो y इज इक्वल टू x हम जब भी ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से पास होता है यहाँ पे ऐसे, और वो बोला जा रहा है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के पीछे जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे जा रहा था तो यहीं पे रोको और यहाँ लिखो माइनस पाई बाई टू, यहाँ लिखो पाई बाई टू, इसका काम खत्म। उसके बाद आगे y इज इक्वल टू x में अगर हम रखेंगे तो फिर तो वो पाई बाई टू से बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें इसको इनके बीच रख। इसके बाद ये ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, या तो ये पाई माइनस, इसके बाद इसका ग्राफ ऐसा होता है जैसे ये, आप अगर एक दो वैल्यू रख के देख सकते हो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच, वो पाई पे कट करता है ना, हाँ हाँ पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच एक वैल्यू रख के आप उसको चेक कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे पाई माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये इसका ग्राफ ही आप देखो, ये पाई है और ये वाई क्या लिखेंगे हम लोग पाई माइनस एक्स, और ये वाई क्या है एक्स है, तो ये पाई माइनस एक्स होगा क्योंकि ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल है, देख लो, और पाई ऐड किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पाई पे जीरो भी हो रहा है, सारी चीजें आप देख रहे हो। और इस तरीके से जब आप इसको पाई माइनस एक्स रखते हो, ठीक है, तो पाई माइनस एक्स क्यों रखा ये समझो आप, जैसे मैं एक्स एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस अब पाई बाई टू तक का काम आपने कर लिया, अब पाई बाई टू से आपको कहाँ तक का काम करवाना है थ्री पाई बाई टू तक का, तो एक्स बिलोंग टू पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू नाउ, अब इसमें एक्स बिलोंग करता है, तो अगर मैं इसको पाई माइनस एक्स कर देता हूँ फिर तो ये क्या हो जाता है फिर से इसका रेंज, अगर थ्री पाई बाई टू माइनस करता हूँ तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, और पाई बाई टू माइनस करता हूँ तो पाई बाई टू हो जाएगा, तो फिर से वो उसके बीच लिमिट हो जाता है इसमें रखने पे, तो इसीलिए इसके बीच इसका ग्राफ पाई माइनस एक्स होगा। अब ऐसा ही ग्राफ आगे पीछे होता जाएगा, इधर भी ऐसा ग्राफ होता जाएगा, आपको सिर्फ एक पीरियड का याद रखना था माइनस पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, इसका कैसा नेचर होता है, क्या ग्राफ होता है, इन सब का पीरियड क्या है टू पाई है, टेन इनवर्स टेन एक्स का पीरियड पाई था, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का पीरियड पाई था, और साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड टू पाई है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पीरियड टू पाई है, ठीक है। इस तरीके से आगे ये हो जाएगा, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पे क्या है ये टू पाई है तो माइनस टू पाई, यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे क्या है ऐसे ही, इधर का भी ग्राफ आप लिख सकते हो, ये क्या है यहाँ माइनस पाई से कट हो रहा है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है माइनस एक्स के, ठीक है, और यहाँ माइनस पाई है, तो अगर प्लस पाई करते हो तो यहाँ माइनस पाई लिखना हो, माइनस एक्स माइनस पाई, बोलो ठीक है कि नहीं,
तो फाइनली वही याद रखना है कि आपको किसी तरीके से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच आंसर को लेके आना है, चाहे जैसे भी करो, इस वाले फंक्शन में रखो। आप देखोगे कि जब भी पाई पे कट कर रहा है तो आंसर आ रहा है पाई माइनस एक्स, जब भी माइनस पाई पे कट कर रहा है तो माइनस पाई माइनस एक्स, और जब भी यहाँ पे इधर जा रहा है टू पाई पे कट कर रहा है तो एक्स माइनस टू पाई हो रहा है। ध्यान दो, यहाँ भी क्या होगा, सोचो y इज इक्वल टू, ये क्या है x है प्लस और फिर माइनस टू पाई है, माइनस टू पाई, हाँ माइनस टू पाई। यहाँ पे अगर x आप रखते हो माइनस, ये माइनस पाई है, ये माइनस टू पाई है, x प्लस टू पाई होगा ना। हाँ सर वही सर मैं सोच रहा था, x प्लस टू पाई, x इज इक्वल टू माइनस पाई रखेंगे तो ये प्लस माइनस टू पाई, y इज इक्वल टू x, हाँ ये वाला प्लस टू पाई होगा, ये ठीक है। तो डिफरेंट x के लिए आपको डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे, सबका ग्राफ आप प्लॉट कर लेते हो, और जब भी आपको कुछ भी निकालने को मिलता है जैसे साइन इनवर्स साइन 15, तो आपको इसमें चूकने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए हो जाएगा। तो क्या सर आपको वीडियो रुक गया अपना? वैल्यू कितनी होती है? वीडियो पूरा रुक गया बदल के लिए। हाँ हाँ फिर बोलिए ना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि 15 देखते ही किसी भी फंक्शन में हम 15 के नजदीक की वैल्यू को खोजना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो 4 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है। तो अगर वो मैंने 4 पाई लिया तो मैं क्या करूंगा, 15 माइनस 4 पाई करूंगा या 4 पाई माइनस 15 करूंगा, देखते हैं। 15 माइनस 4 पाई करने से क्या फायदा है, ये 12 पॉइंट समथिंग है तो ये वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगी, लेकिन पाई बाई 2 से ज्यादा हो सकती है। आप समझिए, यहाँ पे 12 पाई है, 4 पाई है, यानी कि 4 इंटू 3.14। सर 5 पाई बेटर होगा, वही ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप 4 पाई माइनस करते हो तो नेगेटिव ऑफ 2 से ज्यादा आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस पाई बाई 2 से, यानी कि माइनस 1.572 प्लस 1.57 चाहिए। आप डिजिट पे वैल्यू याद रखो, पाई की वैल्यू 3.14, पाई बाई 2 की 1.57, तो यहाँ पे आपको 1.57 से माइनस 1.57 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो 5 पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 15.7। तो अगर आप 5 पाई में से इसको हटाओ तो काम बन सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 5 पाई, तो कुछ नेगेटिव आ जाएगा, 0.2 होगा। और 5 पाई माइनस 15 करें तो क्या दिक्कत है इसमें, तो भी 0.2 पॉजिटिव आएगा। सर माइनस 0.7, यहाँ पे 0.7 दोनों आ सकता है, तो दोनों में से क्या होगा सर, वो मतलब जो साइन वाला जो है उसमें तो n पाई प्लस क्या था, माइनस 1 टू द पावर n इनटू x होता था ना, मतलब हम लोग जो 15 जब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 लेंगे तो यहाँ x के साथ नेगेटिव आएगा। हाँ सर, तो 15 माइनस 5 पाई होगा। तो यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, या यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जब पाई का कोएफिशिएंट ऑड है तो x नेगेटिव है, पाई का कोएफिशिएंट जब ऑड है तो x नेगेटिव है यहाँ पे, तो जब भी 5 पाई आ जाए 7 पाई आ जाए तो 7 पाई माइनस एक्स ऐसा होगा, यानी कि वहां पे x माइनस 7 पाई नहीं करेंगे, जैसे अभी x माइनस 5 पाई से भी आंसर आ रहा था लेकिन वो नहीं करेंगे। इसीलिए हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें जानने की जरूरत है कि हम 15 माइनस 5 पाई इसमें नहीं करेंगे, 5 पाई माइनस 15 करेंगे। कैसे, जब भी ऑड होता है ऑड के लिए यहाँ पे माइनस एक्स तैयार है, यानी कि अगर 5 पाई हुआ, जैसे यहाँ ऑड डाला आपने कुछ भी,
ये ध्यान में रख सकते हो। और इवन के लिए ऐसा नहीं होता, इवन के लिए डायरेक्ट y इज इक्वल टू x, x माइनस टू पाई, y इज इक्वल टू x माइनस टू पाई, या y इज इक्वल टू x प्लस टू पाई। ठीक है, आप समझ गए बात को, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और प्रैक्टिस करोगे आप, तीन क्वेश्चन और करो आप इसमें, साइन इनवर्स 12, साइन इनवर्स साइन 33, साइन इनवर्स साइन 12, साइन इनवर्स साइन 35, ये तीनों वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 33 के विसिनिटी में मैं वैल्यू देखूंगा तो मुझे 11 पाई दिखेगा, ऑब्वियस है। तो ये हो गया 33 पॉइंट, ये 34 पॉइंट हो जाएगा कुछ, हाँ 34 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो अगर मैं 11 पाई माइनस 33 कर देता हूँ तो मेरे पास एक पॉजिटिव आ जाएगा और वो आई थिंक 1.57 से ज्यादा होगा, 11 इंटू 3.14 माइनस 33। वो बताइए, मैं जरा इसमें इंक डालूं। सर सेकंड वाले में माइनस 0.56 होगा और थर्ड वाले में 0.46। क्या ये आंसर बोलोगे? मतलब हाँ, इसका वाला सर माइनस 0.5 के नजदीक आपको या तो 4 पाई दिखेगा या तो 3 पाई दिखेगा। हाँ, 4 पाई लेना, मतलब 4 पाई लेंगे, 4 पाई लेंगे तो हम ऑड वाले में ऐसा नहीं करते, इवन ऑड वाले में क्या कर सकते हैं, 4 पाई माइनस 12 करते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा नहीं होगा सर, माइनस 4 पाई लेंगे सर, माइनस 4 पाई प्लस 12 हो जाएगा। नहीं मतलब 4 पाई इसके नजदीक का आ गया, ये मेरे क्लियर हो गया। हाँ, आपको मेरे को या तो 4 पाई माइनस 12 करना है या 12 माइनस 4 पाई करना है, ये अभी सेलेक्ट करना है। तो 4 पाई माइनस 12 करते हैं तो क्या होता है, सोच लो एक बार, 4 इंटू 3.14 0.56 आ गया सर। नहीं सर, वो तो 12 माइनस मतलब 4 पाई माइनस 12 कैसे होगा, क्योंकि मतलब 4 तो इवन नंबर हो गया और इवन 1 माइनस 1 कह रहा हूं ना, वहां तक पहुंचेंगे ना यार, बोलने दो ना। 12 माइनस 4 पाई में क्या आ रहा है, माइनस 0.56 आ रहा है, यानी दोनों सही आंसर हो सकता ना। या तो कभी कभी हम लोग टेन में कर रहे थे तो हमारा सिर्फ एक आंसर आ रहा था और वही सही होता था, यहाँ पे फंस रहे हम लोग, यहाँ पे दोनों आ रहा है, यानी कि दोनों सही हो सकता है। जल्दी जल्दी में हम ये भी करके आ सकते हैं, 4 पाई माइनस 12, और कोई बच्चा ये भी करके आ सकता है। उस केस में हमें वही याद रखना है कि साइन y इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द n x, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये माइनस x तभी होगा जब ये ऑड हो, और हर केस में ये अगर इवन हो गया, अगर ये इवन हुआ, अगर ये इवन हुआ तो ये प्लस x होगा, तो अगर ये इवन हुआ तो ये प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक्स को नेगेटिव करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक्स को हम नेगेटिव नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वही नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, 4 पाई में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम 12 में से 4 पाई माइनस कर देते हैं। हाँ सर, वहां से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो
आप ऐसे करके एनालाइज कर सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते तो वो कर सकते, ठीक है। चलिए लास्ट है साइन इनवर्स साइन 15 35। सर इसमें भी मतलब 11 पाई माइनस कर देंगे। अच्छा 11 पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 34.54 आ रही है, ठीक है। 11 पाई माइनस, अच्छा 11 पाई माइनस 35, तो ये माइनस पाई बाई टू से छोटा है, पॉइंट फाइव। और 35 माइनस 11 पाई नहीं कर सकते थे। हाँ वो भी कर सकते हैं सर, सेकंड वाला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स है और एक्स यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऑड है। हाँ तो ये केयरफुल करना है साइन इनवर्स वाला, इसलिए पीछे बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, नहीं 35 का आंसर क्या आया? यही 11 पाई माइनस 35, और इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, और इसका ये आंसर 12 माइनस 4 पाई, 4 पाई माइनस 12, नहीं 12 माइनस 4 पाई, ये आ रहा है अभी जो क्वेश्चन दिया था। अब लास्ट कर लेते हैं एक, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। यहाँ डोमेन में फिर से नहीं लिखूंगा, डोमेन रियल नंबर होता है और रियल नंबर में से कोसेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा? जहाँ पे साइन एक्स जीरो होगा, क्योंकि कोसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स होता है। साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे वो जीरो होता है। तो यहाँ पे मैं क्या हटाऊंगा इसमें से? एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई क्या होगा? वाई आपको पता ही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है, इसका भी और कुछ नहीं होता, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे फंसती है फिर से एन पाई पे, ये डिफाइन ही नहीं है, ये पाई है और यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। माइनस पाई पे डिफाइन नहीं होगा, टू पाई पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन। तो वहां पे आप क्या करने वाले हैं? वहां पे आप ये यहाँ से गया था और यहाँ तक एक पीरियड हुआ था इसका, ठीक है। इसमें ये दो बार जीरो हो रहा है, इसको आप यहाँ से हटाइए, ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ डिफाइन। ऐसा बना लो आप, बार बार बनाने से आपको याद रहेगा। चलिए तो ये सारी ये पार्ट क्लियर हुआ। आप करवाइए कोसेक इनवर्स कोसेक पर, मतलब इस पे मतलब क्वेश्चन जैसे कोसेक इनवर्स कॉस 35 वैसे करके कुछ करो ना, करो कोसेक में करो, एक ही आएगा जैसे साइन में करेंगे ना, साइन का ही आंसर आपको लिखना है, आप उसको साइन में चेंज करके कर दो। अच्छा हाँ फिर तो साइन में हाँ ये सर फिर वो साइन में चेंज करके आंसर लिखो बस, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा एन पाई वाला, क्योंकि उसको तो डिफाइंड ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है। जैसे तो बस... कोसेक का जो क्वेश्चन है वो साइन में चेंज करके करो, सेक का कॉस में चेंज करके करो, टैन कॉट का तो आपको पहले से पता है वो अलग अलग कर सकते हैं। हाँ सिंपल ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ एग्जैक्टली वही है, टैन कॉट में रेंज का फर्क आ जाता है, sec inverse sec x और cos inverse cos x का सेम ग्राफ है, बट tan inverse tan x और cot inverse cot x का सेम ग्राफ नहीं है। तो हम tan cot को अलग करेंगे, sin cos x सेम, sec cos x सेम, मतलब इसमें भी अगर ऐसा होता sin inverse sin 33 यही आंसर होता, cosec 35 को यही आंसर होता, cosec inverse cosec 12 का यही आंसर होता। नहीं सर मतलब मैं पूछ रहा था सर इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, cosec inverse x is equal to sin inverse 1 by x वाला? नहीं नहीं इसमें सीधा लिखेंगे cosec y is equal to cosec x and y is equal to n pi plus minus 1 raised to the n x। cosec का और sin का सॉल्यूशन तो सेम ही होता है ना? हाँ ये भी है। हाँ सर अब इसके बाद तो इसके बाद जब इसका y यही है और sin का भी y यही होता है तो ये काम तो सेम ही है और ग्राफ भी सेम है, कुछ नहीं सोचना है, sin से कॉपी करना है। सर इस बार का जो सर 1/x नहीं करेंगे इसमें, यही में क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा हल्का सा आएगा और आपको बस सारा फार्मूला बड़े ध्यान से याद रखना है। 2020 वाला मतलब अभी जो 21 वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ अभी, हाँ क्या सर उसमें सारा मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इजी दिया हुआ था, बस मैथ्स वाले क्वेश्चन सब लोग बोल रहे हैं हार्ड दिया था। बोलने दो ना, बोलने से क्या होता है, आप खुद अपने लेवल पे टेस्ट चेक करो कि हार्ड है या नहीं। मेरा तो अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ ना तो मतलब देख रहा मत,
मैथ का सेक्शन हमेशा लोग बोलते हैं टफ होता है, हमेशा ही बोलते हैं, किसी पेपर में आप देखो सब लोग ही बाहर निकल के बोलते हैं मैथ टफ था, मैथ टफ था। एडवांस की बात करो बोलेंगे फिजिक्स में तो ठीक था, मैथ टफ था, हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा। इसका रीजन यही है कि एडवांस के मैथ के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है, केमिस्ट्री तो आसान ही होता है, मेमोरी पे होता है, इसलिए केमिस्ट्री तो हमेशा ही आसान होता है, फिजिक्स में थोड़ा वो होता है, मैथ्स में सब कुछ न्यूमेरिकल, और अचानक से आपको नई नई चीज करना है तो आपको टफ लगने लगता है, सारा कुछ सॉल्व ही करना है एक्यूरेट आंसर। तो ये पार्ट हो गया हमारा, और अब हम लोग बात, आप सबसे पहले आप पहले के ग्राफ को याद रखोगे तभी हम लोग आगे ढंग से बढ़ सकते हैं। अब हम लोग 1/x वाला प्रॉपर्टी करेंगे, सारे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉपर्टी ही सीखना है बस, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्वेश्चन आपको वो देंगे और कर देंगे, आसानी से आप कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है बस। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें, टैन इन, या सबसे पहले बात करो साइन इनवर्स 1/x, ये क्या होता है? कोसेक एक्स। क्या ये बहुत ही यूनिफॉर्म होता है या इसमें भी पंगा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स की तरह, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है? तो इसको सबसे पहले मान लीजिए थीटा, तो 1/x क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ध्यान से देखते जाना, तो x क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है सर। अच्छा अब ले लूं इनवर्स, तो ये कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स ले लेते हैं, नहीं कोसेक इनवर्स लेते हैं क्योंकि इस तरफ क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। यहाँ पे जब भी हमने साइन इनवर्स लिया तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन इनवर्स का फाइनल वैल्यू यही तो होता है, और क्या होता है? साइन इनवर्स थीटा है कुछ भी, तो ये थीटा इसके बाहर नहीं हो सकता, यानी कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होगा, अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को बिलोंग करे, बताओ थीटा, अगर ये गिवन है तो सिर्फ थीटा होगा, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स को मैं थीटा लिख सकता हूँ, यहां मैं थीटा नहीं लिख सकता यार। हाँ अरे हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स और थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स 1/x, हो गया ना प्रूफ, यही करना था, यानी कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, और अगर कोई आपसे पूछे कि कोसेक इनवर्स एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, सिंपल। ये दोनों प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख सकते हो, सिंपल है, इसमें साइन कॉस ज्यादा पंगा नहीं करता, 1/x कर दो, पहले से आपको ये पता है। मतलब इसमें भी थीटा बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए, मतलब ये मतलब जो पूरा चीज है वो डिफाइन है? जी जी, हर जगह पूरे इनवर्स में उन्होंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच डिफाइन किया सब कुछ, तभी हम इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर तो कोई 3π/2 से 5π/2 के बीच डिफाइन कर देगा तो उसका अलग प्रॉपर्टी होने लग जाएगा, तो इसीलिए आप भी ऐसे ही सोचो, ऐसे ही आप भी अपने माइंड को कंडीशन करो। आगे आते हैं, क्या कॉस इनवर्स में ऐसा ही कहानी होती है? देखते हैं एक बार, कॉस इनवर्स 1/x ये क्या होता है देखते हैं, थीटा माना, खुद ही देख लेते हैं क्या होता है, कुछ चेंज आता है या नहीं आता, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/x, फिर इसके बाद कॉस थीटा 1/x हो गया, तो फिर sec थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हमें sec तक पहुंचना है, तो sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है, ठीक है, तो sec इनवर्स sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा हमें पहले से पता है, यहां से मेरे को थीटा पहले से पता है, ये 0 से π के बीच ही है, इसके बाहर नहीं जा रहा है, तो sec इनवर्स sec थीटा की वैल्यू का आंसर क्या होगा, जो cos इनवर्स cos थीटा का होता है, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा जब 0 से π के बीच में हो सिर्फ थीटा देता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 1/x, तो ठीक है जी, हो गया, ये दोनों पार्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ, 1/x करने पे cos sec बन जाएगा, sec cos बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है टैन इनवर्स 1/x, इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, इस पे वर्क करते हैं। चलिए टैन इनवर्स 1/x को मैंने मान लिया थीटा, तो 1/x क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अच्छी बात है, थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ बिलोंग करता था ये बताइए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बिलोंग करता था, हमें पता है। आप यहाँ अच्छे से लिख लेना, थीटा बिलोंग्स टू वेयर, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स का रेंज इतना ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब यहाँ पे आप लिखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, होगा कि नहीं होगा, टैन थीटा 1/x है तो कॉट थीटा एक्स नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे दोनों तरफ इनवर्स लगा देते हैं, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा चूंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है, लेकिन कॉट इनवर्स कॉट थीटा कैसे वर्क करता है सोचो, कॉट इनवर्स कॉट थीटा कब थीटा देता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा तभी देगा जब जीरो से पाई के बीच में हो। हाँ सर, हाँ ग्राफ भी आप याद कर सकते हो, अभी मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ, ये है कॉट इनवर्स कॉट थीटा का ग्राफ, ये सपोज करो थीटा है और ये है हमारा वाई, तो ये ग्राफ है हमारा वाई इज इक्वल टू थीटा, और ये कौन सा ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू थीटा तो है ही, और यहाँ पे पाई थीटा माइनस पाई है। हाँ सर, तो ये कभी देखो यहाँ पे ये जीरो है और यहाँ पे ये पाई है, और यहाँ पे अगर आ जाए तो ये माइनस पाई है, ध्यान देना हमें इस पार्ट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो ये इसके बीच देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये इस ग्राफ का लेगा और थोड़ा सा इस ग्राफ का लेगा, ये वाला पार्ट, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ सर, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा में जो इंटरवल हमें थीटा का गिवन है, उस इंटरवल को हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक पार्ट वो चुपचाप थीटा दे देगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, और तो यहाँ पे ये बात बन गई हमारी, तो हमने थीटा क्या था, हमारा थीटा क्या था, टेन इनवर्स 1/x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स When theta belongs to 0 to pi by 2. अब theta क्या होता है भाई? Theta तो हमें पता भी नहीं है, यहाँ तो x x की बात हो रही है, तो फिर वो भी बात करना पड़ेगा अभी, अब theta से फिर वापस x में जाना पड़ेगा, तो जाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और काम कर ले, इस इक्वेशन से और आगे बढ़ते हैं, cot inverse cot theta, जब theta minus pi by 2 से 0 के बीच में है, आपको ग्राफ दिख रहा है या फिर से ड्रॉ करूं मैं, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में ये ग्राफ है, और इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं, ये थीटा तो वाई इक्वल टू थीटा ही, और प्लस पाई जोड़ दिया गया है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूं, थीटा प्लस पाई, और इधर कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे थीटा किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू को हम ले सकते हैं क्या, हाँ नहीं tan tan डिफाइन नहीं होगा, माइनस पाई बाई टू से यहाँ तक जीरो तक, फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और एक tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, उस पे हम लोग अभी बात करेंगे, ध्यान रखना अभी बात करेंगे, tan इनवर्स 1/x कभी ये होता है कभी ये होता है, ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, इसको हटा दिया जाए, चलिए ठीक है, तो अब वापस लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x,
व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, जब थीटा 0 से पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है तो एक्स की क्या गति हो रही है, मतलब आप समझिए यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है और कॉट थीटा एक्स है और थीटा 0 से पाई के बीच है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, कॉट थीटा क्या होगा जब थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो, बताओ आपको पता है ना थीटा का रेंज? हाँ सर, 0 टू पाई है, 0 टू पाई, पाई बाई 2 है इस सर, वाले पार्टिकुलर सेक्शन में सर, हाँ हाँ पाई बाई 2 है, यस सर। आई वांट यू टू टेल मी व्हाट विल बी एक्स देयर, अगर कॉट इनवर्स अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो एक्स क्या होगा, हमने किसको थीटा माना हुआ था यार, हमने माना था tan इनवर्स 1 बाई x को थीटा माना था, ठीक है tan इनवर्स 1 बाई x, हाँ tan इनवर्स 1 बाई x को हमने थीटा माना हुआ था और थीटा की वैल्यू क्या है 0 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 तक tan इनवर्स का कोई भी जैसे ग्राफ कैसा होता है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ याद है? हाँ सर, ये एक बार समझना है बस, उसके बाद तो आप याद ही करोगे, ये है माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे और ये है प्लस पाई बाई 2, अब थीटा की वैल्यू यानी कि टेन इनवर्स की वैल्यू यहाँ से 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, उस केस में एक्स क्या है बताओ, एक्स क्या है सर, अगर हाँ। अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो एक्स क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, 1 बाई एक्स वहां पे पॉजिटिव होगा, यस सर, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, साथ में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी या एक्स इज पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या आया कि टेन इनवर्स 1 बाई एक्स कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल तब होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, हम एक्स के टर्म में लिख पाएंगे ना, थीटा के टर्म में थोड़ी लिखेंगे, और टेन इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा, ऐसा कब होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच होता है, और थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच कब होता है जब एक्स नेगेटिव होता है, यस सर, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एक्स इज नेगेटिव, तो बस यही है, यही फंक्शन था, यही बताना, आप इसको याद रख लीजिए, इसको नोट कर लिया, मिटाऊं कुछ कुछ? हाँ सर, पूरा लिख लिया सर। तो अगर x को 1 by x एक्सचेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई बोले cot इनवर्स 1 by x को बताना है तो क्या बोलोगे आप, फिर बोलोगे tan इनवर्स x होता है जब x पॉजिटिव हो, फिर लिखोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे सपोज करो cot इनवर्स x है तो वो क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा और ये पाई इधर चला जाएगा यहाँ पे, या फिर ऐसा कर दो cot इनवर्स x रखो, ये हो गया tan इनवर्स 1 by x, फिर यहाँ पे cot इनवर्स x रखो, ये हो जाएगा माइनस पाई यानी कि प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 1 by x, ये भी लिख सकते हैं, कोई एक इक्वेशन याद करना हो लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई एक इक्वेशन याद रखो, या तो ये याद cot इनवर्स x की ये वैल्यू, ठीक है, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं cot इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू tan inverse x when x is positive and pi plus tan inverse x when x is negative, x को 1 by x से replace किया क्योंकि जब x positive होगा तो 1 by x भी positive हो, x negative तो 1 by x में negative, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, कोई problem, 1 by x में यही एक problem create कर रहा है, problem क्या create कर रहा है, थोड़ा सा इसी में जानना है और बाकी तो बहुत आसान था, सिर्फ sin को cos sec में और sec को cos में change करना था, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे cot इनवर्स 1 बाई एक्स को हम सीधा tan कर गए, ऐसा हम हमेशा नहीं करेंगे, तो बात समझ में आ गई, अगर कोई बोले आपको cot इनवर्स माइनस 2 कितना होगा,
tan के टर्म में, तो हम इसको tan इनवर्स माइनस हाफ नहीं लिखेंगे। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस हाफ, क्या लिखेंगे? पाई प्लस tan इनवर्स माइनस हाफ इसको लिखेंगे। आप क्वेश्चन करोगे तब इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक बार प्रूफ कर लेना ताकि एनालाइज आप कर सकते हो, तो आप फिर कहीं भी फंसोगे नहीं। मेन में तो आपको याद रखने की, इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है जो हमने डिस्कस किया, लेकिन एडवांस तक जाने के लिए आपको सारी गहराई पता होगी, तो उसके लिए आप जो भी अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वो एनालाइज करना जरूरी है। हाँ सर। हाँ, तो हमने ये कर लिया, माइनस वाला भी कर लिया। अब तो हमें ये तो पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है ना, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। उसमें डोमेन रेंज वही रहेगा जो साइन कॉस का होता है, जो टैन कॉट का होता है, जो कोसेक और सेक का होता है, एक्स पे वो डोमेन हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। चलिए अब मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैं करवा सकता हूँ अभी इनके आधार पे, तो थोड़ा सा वर्किंग हो जाएगा तो बेहतर होगा। तो आप इस पे वर्क कीजिए थोड़ा सा। साइन इनवर्स साइन 15 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 20 इसकी वैल्यू बताएं। इसका आंसर है, ऑप्शन है 19 पाई माइनस 60 30। क्यों ऑप्शन दे रहा हूं मैं बेकार में? पाई पाई के टर्म में देना है फिर, मतलब पूरा कैलकुलेट करके ही दे दे। पाई के टर्म में देना यार, 30 माइनस 9 पाई 19 माइनस 60 पाई 60 पाई माइनस 19। ऐसे ही घुमाए जा रहे हैं, 60, 19, 39 इन सब में ही आएगा कुछ। सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो मतलब 0 से पाई तक में वैलिड होता है ना? कॉस इनवर्स कॉस एक्स, हाँ नहीं, फॉर एंटायर रियल नंबर, बट कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब वो 0 से पाई के बीच होता है, पाई से ज्यादा के लिए वो कुछ और होगा। अच्छा,
सर आंसर 30 - 5π जैसा कुछ आ रहा है। कोई तो ऑप्शन लेके आओ उसमें। हाँ सर, मतलब सबसे क्लोजेस्ट मतलब बी वाला ही सबसे क्लोज लग रहा है। टाइम हो गया क्या? हाँ सर, वो सर बस 1 सेकंड वाला कंप्लीट हो जाए। सर बी होगा, सर बी आ रहा है 30 - 9π। मैं देख लेता हूँ, अगर सही हुआ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बी ऑप्शन ठीक है। तो ठीक है सर, ओके सर। ऐसे में अगर एक्यूरेट करोगे एकदम एक एक स्टेप अच्छे से तभी सही होगा। ठीक है, हाँ सर। 10 सेकंड देखते हैं। 15 के करीब क्या होता है हमारा? अब क्या होता है? 3π, 3π में 10 के करीब होता है, 4π में 12 के करीब होता है, 15 के करीब 5π करते हैं। तो 5π, क्योंकि 5 को हम 3 देख रहे हैं ना, तो 5π इसलिए हमारा ध्यान में आता है। 5π का मतलब 15.7। तो फिर इसमें क्या हमारा होगा? सर ऑड है, -π/2 से π/2 तक तो रहता ही है, मतलब तो फिर तो वैलिड ही होगा। वही ना? ठीक है, 15 - 5π फाइव पाई या 5π - 15, क्योंकि तो ये ऑड है ना, तो इसलिए 15 में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा मतलब गलत किया है। हाँ एक फिर एक मेरा देखना पड़ेगा। अभी आप इसको एनालाइज नहीं करोगे 100% श्योर है कि आप इसको भूल जाओगे। इसको जरूर कर लेना, एक मुफ्त का एक नंबर मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन का नंबर आपको मुफ्त का मिल जाएगा, आसान ही पूछा जाएगा जेई में, यही सब पूछा जाएगा। ये तो फिर भी टफ है, कोई एक या दो मिला के पूछते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉस कॉस इनवर्स कॉस 2π में, कॉस कॉस 20 में। तो 20 के करीब क्या दिख रहा है आपको? तो ये तो 5π हो 2x में आएगा ना, मतलब इसका वाला तो। गया। हाँ, 7π देख सकते हैं 22 के करीब, 22 point something आ रहा है 7π में। तो आप कर सकते हो इसमें, डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? 7π - 22, 20 ऐसे करके क्या होगा कि आपका आंसर 2.2 के करीब आ जाएगा, जो 0 से π के बीच में है। बोलो ठीक है, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम लिखते हैं cos y is equal to cos x, तो y क्या होता है? 2n π + -x होता है ना। यस सर। तो पाई में तो हमेशा इवन इवन का चक्कर लगेगा, ये तो हमें अच्छे से पता है। यस फिर सर। हम कहाँ फंस गए 7π में? यहाँ तो मेरे को इवन ही चाहिए, तो इवन ही चाहिए। चलो अभी क्लियर हुआ कि मेरे को इवन चाहिए। यहाँ पे 20 पक्का पड़ा हुआ है, ये +20 या -20। और हम इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं, तो या तो ग्राफ ऐसा होता है या ऐसा होता है, या ऐसा या ऐसा। तो इसमें हमेशा माइनस ही होता है, तो हमारे पास 6π अगर करते हैं तो कम हो जाएगा, तो 8π का ऑप्शन आ रहा है। 8π, 8π में बहुत ज्यादा हो जाएगा है कि नहीं? 8π ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी तो ऑप्शन है ना कि यहाँ पे मतलब ये प्लस हो जाए और ये हाँ वाला नेगेटिव हो जाए, हाँ तो ट्वेंटी इसलिए माइनस यहाँ पे हाँ, तो ये क्या होगा फिर? 6π यहाँ पे आ सकता है क्या? हाँ हाँ ये हो सकता है। यस सर। हाँ यही सही है, -6π + 20।
18 के अबाउट है और ये ठीक है, बहुत सही है ये। और कुछ यहाँ पे हाँ, और कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 20 लार्जर देन -6 पाई। हाँ ठीक है, 19 समथिंग आएगा। और ये टेन इनवर्स टेन 25, तो ये तो आसान है कि इसमें मेरे को एन पाई माइनस करना है, तो यहाँ पे 8 पाई माइनस कर दो। यस सर, तो ये हो गया 25 माइनस 8 पाई, और यहाँ पे 5 पाई है, माइनस 8 पाई माइनस 6 पाई कितना हुआ, 9 पाई हो गया। हाँ 9 पाई, हाँ सर, माइनस 9 पाई। और यहाँ पे 45 माइनस 15 यानी कि 30, हाँ ये आ गया ऑप्शन बी, ध्यान से करना है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास कल। और उसको ज्वाइन तो करना है।